गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बुधूडी के स्थानीय मुखिया मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और पंचायत में जो प्रमुख समस्या इनके संज्ञान में है उस समस्या को लेकर इन्होंने अब तक क्या प्रयास किया है बात करते हैं। मुखिया जी आपका स्वागत है, सबसे पहले तो बताएं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम नवीन कुमार वर्मा है। कितना समय हो गया आप बतौर मुखिया? 2 साल लगभग अभी कंप्लीट हुए हैं। पंचायत की प्रमुख समस्याओं की अगर बात की जाए तो उसमें से कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख रूप से आपके संज्ञान में? आज की वास्तविक स्थिति देखी जाए तो मेरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पानी की समस्या। और जल नल जब योजना शुरू हो रही थी तो हमारे जो भी यहाँ पे जनता जनार्दन थे, ग्रामीण थे, उनको काफी उम्मीद थी इस योजना से, लेकिन आज जो स्थिति है हमारे पंचायत में जल नल की वो काफी निंदनीय है, दुखद है कि इस प्रकार का कार्य देखने को मिल रहा है। क्या समस्या है, क्या किस तरह का कार्य आप देख रहे हैं नल जल योजना के तहत होता हुआ? लगभग आज 1 साल 2 महीना पूरा हो गया है बोरिंग हुए, तो आज भी धरातल पे कार्य पूरी तरीके से नहीं उतर पाया है। जहाँ पे भी जो भी संवेदक काम कर रहे हैं उनके द्वारा जहाँ भी दावा किया जा रहा है जिस भी रेवेन्यू विलेज में कि हमने काम कम्प्लीट कर दिया है, आप जाके वहाँ की वास्तविक स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल कागजों पे काम कंप्लीट हुआ है ऐसा प्रतीत होगा। काम बिल्कुल खाना पूर्ति के नाम पर किया गया है, बिल्कुल खाना पूर्ति है ये। और हमारा एक गांव है, रेवेन्यू विलेज है पहरमा, जहाँ की पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी और इस योजना के आने से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि वहाँ पर पानी की समस्या से लोगों को निदान मिलेगा, लेकिन वहाँ भी जिस प्रकार से कार्य किया गया है मुझे लगता है कि 1 महीने भी नहीं हुए हैं वहाँ पे पाइपलाइन बिछाने में और सारे नल वहाँ पे टूट के बराबर हो गए हैं, पाइपलाइन फट चुकी है, सही तरीके से पाइपलाइन का काम भी नहीं हुआ। क्या इन समस्याओं से आपने विभाग के जो लोग हैं उन लोगों को अवगत कराया? जी, इससे विभाग के लोगों को अवगत कराया है। बीच में एक जांच कमेटी भी बनी थी, वो आके जांच भी की और मुद्दा भी काफी गरमाया रहा मीडिया में ये चीज, लेकिन कोई फर्क देखने को नहीं मिला है यहाँ पे। अब चूंकि लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल नहीं पा रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए, तो इसको लेकर क्या आपका स्टैंड है, आगे आप क्या करने जा रहे हैं? जरूर देखिए, जनहित के भावनाओं से खिलवाड़ करना किसी को गवारा नहीं है और खासकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं पुनः एक बार उपायुक्त महोदय को संज्ञान में दूंगा ये बातें कि हमारे यहाँ ये समस्या है। और साथ ही हमारी नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी से भी बात करेंगे इस मामले में कि जल्द से जल्द हमारे पंचायत में जो भी समस्याएं हैं पानी को, जल नल को लेकर, उसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए। नवीन कुमार वर्मा मुखिया ग्राम पंचायत बुधूडी हमारे साथ जुड़े थे और पंचायत में नल जल योजना की जो खस्ताहाल स्थिति है उसको लेकर चिंतित थे और हम सभी को अवगत करवा रहे थे। विभाग को सूचित किया गया है लेकिन विभाग के लोग समस्या को सुन तो रहे हैं लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। मुखिया का कहना है कि आने वाले समय में शीघ्र ही जिला उपायुक्त और जो क्षेत्र की विधायक हैं कल्पना सोरेन, उनको मामले से अवगत करवाकर इस समस्या का निदान के लिए उन लोगों से आग्रह किया जाएगा। धन्यवाद।